मेरा तो दिल एकदम से धक 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 कर रहा है, पता नहीं उसको क्या हुआ होगा। तो मेडिसिन दे दी है उसको, थोड़ा सा आराम पड़ा है पेट दर्द में। इवनिंग में चल रहा है डॉक्टर अंकल के, रेडी हो? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह 10 बजे से स्कूल छोड़कर आए थे वैसे लेने पहुंच गए। सुबह 10 बजे कौन सा? धोनी बेटा मत रो ना बेटा, डॉक्टर के तो जाना पड़ेगा ना धोनी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमारे पास फोन आया कि धोनी के स्कूल में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं और ये निकल गए हैं धोनी को लेने के लिए, देखते हैं। पता नहीं मेरा तो दिल एकदम से धक 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 कर रहा है, पता नहीं उसको क्या हुआ होगा, उसके एकदम से पता नहीं पेट में दर्द कैसे हो गया। सुबह अच्छा भला स्कूल गई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके गई है, और आज तो मेरे साथ स्नैक्स लेने भी गई थी मॉर्निंग में मार्केट। पता नहीं, चलो देखते हैं। A few hours later. तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ध्वनि को घर पे ले आए हैं, और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वहाँ पे ये रो रही थी। ध्वनि मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था आपको? मुझे सेकंड पीरियड में पेट में दर्द हुआ था। बस पेट में दर्द हुआ और आप रोने लग गए? नहीं, मेरे पेट में दर्द हुआ था, फिर हमें डिस्पेंसरी गई और फिर उन्होंने बल्कि मुझे थोड़ा सा लिटाया थोड़ी देर के लिए, और फिर उन्होंने आपको फोन किया, फिर ध्वनि ध्वनि दवाई दी उन्होंने या नहीं दी? दवाई दी, दवाई कड़वी थी मीठी थी? कड़वी। ध्वनि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप जंक फूड कम खाया करो और घर का हेल्दी खाना ज्यादा खाया करो। यस, आजकल ज्यादा जंक फूड हो रहा है ना आपका, है आज से बिल्कुल बंद, जंक फूड पे लगा दिए क्रॉस, ठीक है? ध्वनि आप कैसा फील कर रहे हो आप? सही है, ये कभी बहाना तो नहीं था? नहीं, गर्म भी हो रही है, बहाना नहीं था। ध्वनि अब हम आपको इवनिंग को डॉक्टर लेके जाएंगे, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है? चलो चलो चले। तो फ्रेंड्स, मैंने ध्वनि को मेडिसिन दे दी है, उसको थोड़ा सा आराम पड़ा है पेट दर्द में, और उसको भूख लग रही थी बहुत तेज। उसने बोला मेरे को पनीर से परांठा नहीं खाना, मेरे लिए तो राजमा राइस बना दो। तो मैंने अब उसके लिए राजमा बनाया, देखो फ्रेंड्स, मैंने उसके लिए यमी यमी राजमा बनाया है, एंड उसको राजमा राइस खाना था तो मैंने उसको दे दिया है। पूछते हैं, चलो देखते हैं ध्वनि क्या कर रही है, पूछते हैं उसकी कैसी तबीयत है। ध्वनि कैसी तबीयत है बेटा? थोड़ा सा ठीक हुआ है, वही मेडिसिन का असर हुआ होगा तो उससे ठीक हो गया है। इवनिंग में चल रहा है डॉक्टर अंकल के, रेडी हो? हाँ, डॉक्टर अंकल के तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा, ऐसे स्कूल में तबीयत खराब हो गई है अचानक से। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा? है, एकदम से हो गया था दर्द? अच्छा, और आप क्या खा रहे हो? राजमा राइस। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, खा लो, आपको आराम मिलेगा, खाना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो जल्दी से इसको फिनिश कर लो। किसने बोला था? डिस्पेंसरी वाली मैम थी। अच्छा, उन्होंने बोला था तीन चीजें याद रखना बच्चों, आप लोग भी याद रखना। ध्वनि फिर से रिपीट कर रही है, सोना, खाना और अपना ध्यान रखना। और ध्यान कैसे रखते हैं? जंक फूड नहीं खाते हैं, और क्या खाते हैं? हाँ, हेल्दी फूड खाते हैं। ओके, ध्वनि की तरह अब आप लोग भी हेल्दी फूड खाना, अब ध्वनि ने भी प्रॉमिस किया है, कैमरे में भी प्रॉमिस करो ध्वनि, क्या? हाँ, आप जंक फूड नहीं खाओगे। लेकिन अगर मैं पैनकेक खाऊंगी तो जंक फूड नहीं? ठीक है ठीक है, पैनकेक खा लेना, पर जंक फूड नहीं। ओके, जंक फूड नहीं, लेकिन डेली डेली पैनकेक भी नहीं मिलेगा, वीक में 1 टाइम। ओके, चलो जल्दी से। अच्छा, वीक में 2 टाइम, चलो जल्दी से खा लो, चलो। 1 hour later. तो फ्रेंड, मैं जिनी को ले आया हूँ घर, और आज मेरी कार कहाँ पे गई हुई थी जिनी? सर्विस पे गई थी, तो मैंने जिनी को आज ऑटो के और कैब के दोनों के मजे दिला दिए हैं, और जिनी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। ये आप मेरे को ना, मेरे को लग रहा है पापा मम्मी मेरे ऊपर प्रैंक करेंगे, ऊपर जाऊंगी मेरे को सरप्राइज मिलेगा। किस चीज का प्रैंक? प्रैंक कर रहे हो कि ध्वनि पहले आ गए, मेरे को पता नहीं। अच्छा एक बात बता, ध्वनि तेरे साथ आई है? नहीं आई ना? कार में। तो मम्मी उसी को लेके आई थी कार में, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, इस वजह से हमें उसे इमरजेंसी में लाना पड़ा। आप पे तो भरोसा करना ही बेकार है। क्यों? आप इतने ज्यादा, मतलब वो शक्लें बना बना के, मासूमियत वाली शक्लें बना बना के जो मेरे ऊपर प्रैंक करते। प्रैंक जैसे एक बार हुआ था, मैं स्कूल में ही थी, पापा बोल रहे ध्वनि चली गई। मैं तेरे को, मतलब मेरी बात पे भरोसा नहीं है पापा? अब आप मेरे को इमोशनल ब्लैक। चल तू एक काम कर, तू खुद ऊपर चल और ध्वनि से तू खुद मिल ले, और उसी से पूछ लियो कि एक्चुअल में क्या हुआ, उसी से पूछियो ना क्या हुआ। आ जाओ विजिनी, मिल लो अपनी बहना से, ये तो यहीं पे तो बैठी हुई होगी। ये ध्वनि थोड़ा समझाएगी यार हमें, ये क्या चल
कब लेकर आया आपने? सेकंड पीरियड इसको ये लग रहा है कि मैं इसके साथ प्रैंक कर रहा हूँ। धोनी तू बता कि मैं तेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा हूँ? गरम कितनी हो रही है? देखो ये अभी से इतनी क्रैंकी हुई जा रही है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम सुबह 10 बजे से स्कूल छोड़कर आए थे, वैसे लेने पहुँच गए। सुबह 10 बजे कौन सा स्कूल छोड़ने गए थे हम इसे? मतलब 8 बजे हम छोड़ने गए थे और 10 बजे लेने पहुंचे। 8 बजे कौन सा? मतलब तुम्हें टाइम भी नहीं पता, हम 7:25 पे निकलते हैं। मतलब अप्रोक्स 8 o'clock। हाँ, और इसी मतलब इस बीच वाली लड़की का मतलब इसने मैम से फोन करा दिया कि इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। डिस्पर्सल वाली मैम से। और अभी भी ये गरम हो रही है। जिनी अब तो तेरे को भरोसा हुआ पापा पे? हो गया। ध्वनि तुमने दवाई ले ली? दवाई ले ली? अच्छा ये क्या है ध्वनि? ध्वनि टैटू? ध्वनि जब मैं ऑफिस में था और तू आज तो घर पे थी, तू टैटू लगा रही थी? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ध्वनि ध्वनि तू मुझे ये बता दे कि तूने कोई कभी तूने मिलकर तो प्रैंक नहीं किया हमारे साथ पेट दर्द का? करेक्ट, देखने के लिए मना कर दिया था। उसने अपना पेंडिंग वर्क भी कर लिया, तो उसके बाद उसने फिर टैटू लगा लिया। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग लंच करते हैं और फिर ध्वनि को दवाई देते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। लेटर दैट सेम इवनिंग। ध्वनि बेटा मत रो ना बेटा, डॉक्टर के तो जाना पड़ेगा ना ध्वनि। ध्वनि बेटा ऐसे नहीं रोना बेटा, डॉक्टर के तो जाना पड़ेगा ना। हाँ डॉक्टर के लेकर चलते हैं, तब दवाई देंगे और सही हो जाएगी ध्वनि। ध्वनि चुप बेटा, ध्वनि की तबीयत बहुत खराब है और वो बहुत रो रही है। चल ध्वनि बेटा प्लीज। ध्वनि बताओ आपके फ्रेंड्स भी क्या कहेंगे ना? ध्वनि बिल्कुल चुप। ध्वनि प्लीज बाबू चुप हो जाओ। ये हो जाएगा, अभी प्यारा बच्चा है। ध्वनि पिंकी प्रॉमिस चुप हो जाओगे आप? हाँ हो जाएगा। अब चुप। डॉक्टर इतने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी है। कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाले ले रहे हैं कैमरे के पीछे। बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीएगी तो गला खराब करेगी। ध्वनि अब तो नहीं पिएगी कोल्ड ड्रिंक? हर बार रहेगी, पीती है। ध्वनि अब नहीं पिएगी कोल्ड ड्रिंक, प्रॉमिस। ध्वनि पैरों में भी दर्द है? रात को था, सुबह गायब। फ्रेंड देखो कितनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी अब ध्वनि को। ध्वनि आपको लेनी पड़ेंगे सारी। और ध्वनि मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। अब कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पियोगे? पक्का? कितना बड़ा झूठ, खुद उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हो। अरे वहाँ पे गर्मी इतनी थी, मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत पीनी थी, पर इसने तो भर भर के पिए। ध्वनि अब आगे से तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगी ना, प्रॉमिस कर लो। ध्वनि मजाक बंद और दवाई ले लो। वेरी गुड गर्ल ध्वनि। ध्वनि नहीं क्या होता है? पानी गंदा कर दिया? कोई बात नहीं ध्वनि, शुरुआत है, अभी तेरे को बहुत सारी दवाइयां लेनी है। हाँ टू टू करके दे दो इसे। ध्वनि तो मीठी वाली होती है, सिर्फ ये वाली मीठी है, ये खट्टी है। दवाइयों के भी फ्लेवर होते हैं फ्रेंड्स। ये घटिया है, वो गोली, ये घटिया है। अभी गई है 1 स्पून। चल मैं 1.5 दे देती हूँ। इसलिए ये कोई तरीका नहीं, तुम्हें मतलब मन नहीं है इसको ठीक करने का जल्दी? ध्वनि उल्टी उल्टी कोई नहीं करनी है। ध्वनि तू थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ठीक है? बहुत रोती है जब नेजो क्लियर ये डलवाती है अपनी नाक में ना। अभी तो फ्रेंड लेकिन हंस रही है। एक अच्छा एक मतलब पॉइंट है
कि ये मतलब थोड़ा इसका फीवर वगैरह कम हो। हाँ फ्रेंड्स, डॉक्टर के लिए जाने के बाद, दवाई देने के बाद इसके फीवर में काफी फर्क पड़ा है। और फिर मेरे हिसाब से ना आधे बच्चे ना डॉक्टर का नाम सुन के ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर से मिलके एक डोज लेते ही सही हो जाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी से डलवाओ बेटा। ध्वनि हिलो नहीं, बच्चे कितना परेशान हो जाते हैं ना बीमार होते हैं तो। गई दोनों में गई, नाक खुल गई, वो नहीं खुली, उसमें एक और डलवा ले, एक ड्रॉप और डलवा ले, सही हो जाएगा बस। वन गई खुली नाक, अगर मना करेंगे तो दोबारा डलवा दूंगा। तो ध्वनि आप जल्दी से अपनी दवाई ले लो एक बार की, और रह रही है ना आपकी, और फिर दवाई अगर छोड़ो अब इसे सुला दो, ध्वनि सो जा ठीक है। चल कोई नहीं, चल। और फ्रेंड्स, वी होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज फ्रेंड इसके लिए प्रे करो जल्दी से ठीक हो जाए। तो अब इसी ब्लॉग में इतना ही, तो हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहां रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।